गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पेट्रोलियम एनर्जी यानी पेट्रोलियम को खत्म कर लिया था और पेट्रोलियम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पेट्रोलियम इंडिया में डिफिशियंसी है। इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इंडिया फेस द डिफिशियंसी बिकॉज मोस्ट ऑफ पेट्रोलियम के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन द फॉरेन इम्पोर्ट, स्पेशली ऑन द अरब कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, ईरान, इराक। इन देशों पे हम बेटर डिपेंडेंट हैं फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम बिकॉज वी नो दैट इंडिया फेस द डिफिशियंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ द पेट्रोलियम। फिर बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि पेट्रोलियम जो भी इंडिया में जो भी पार्ट इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसका सबसे ज्यादा पार्ट बच्चे हम लोग मुंबई हाई में हमारे पास मिलता है मुंबई हाई में। तो मोस्ट पार्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन का मुंबई हाईवे इंडिया का प्रोडक्शन होता है। स्पेशली इंडिया के प्रोडक्शन का 64% हम लोग मुंबई हाई से गेन करते हैं। इसके बाद बच्चे गुजरात के कच्छ एरिया से हम लोग गेन करते हैं और लगभग 18% टोटल प्रोडक्शन का 18%। एंड देन असम के बच्चों, असम के स्पेशली मैंने बताया था कि असम के दो ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया हैं, एक है बेटा डिगबोई और दूसरा नहरकटिया। ठीक है बच्चों, डिगबोई और दूसरा नहरकटिया एरिया। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि द ओल्डेस्ट आइलैंड मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया आर असम का डिगबोई डिस्ट्रिक्ट इज द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बच्चों और इसके बाद मैंने बताया था कि मुंबई के पास ही अरबियन सी में एक आइलैंड है जिसका नाम ओलियाबेट आइलैंड है। इट इज कंसीडर कि उसमें काफी अमाउंट में हमारे पास मिनरल ऑयल प्रेजेंट है बट टिल नाउ उसका एक्सप्लॉयटेशन या उसका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो हम लोगों को आज पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है नेचुरल गैस, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। क्या पढ़ना है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस या हम लोगों को नेचुरल गैस का प्रोडक्शन। और वैसे तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि नेचुरल गैस स्पेशली उन्हीं एरिया में पाई जाती है ज्यादातर, इट इज नॉट 100% सर्टेन, कभी कभी बिना पेट्रोलियम के भी पाई जाती है, बट स्पेशली इट इज कंसीडर दैट जो नेचुरल गैस है वो अप्रॉक्स उन्हीं एरिया में पाई जाती है ज्यादातर एरिया में। इट हैज बीन कंसीडर दैट इट इज फाउंड इन दोज एरिया वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द पेट्रोलियम, स्पेशली पेट्रोलियम के ऊपर एक रॉक के थ्रू सेपरेट होती है हमारी नीचे रॉक के नीचे पेट्रोलियम, तो रॉक के ऊपर दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द नेचुरल गैस या पेट्रोलियम गैस, नेचुरल पेट्रोलियम गैस हम कह सकते हैं। दैट इज ऑल्सो हमारे टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी का अप्रॉक्स 8 to 10% हम लोगों की जो जरूरत पूरी होती है वो बाई द नेचुरल गैस के थ्रू फुलफिल होती है। टोटल फ्यूल के फॉर्म में स्पेशली हम कह सकते हैं कि इन फॉर्म ऑफ द एलपीजी एज वेल एज सीएनजी, एलपीजी के रूप में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यू नो दैट एलपीजी फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी इट इज यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल and it is used, CNG is used, sorry, LPG used as a cooking gas के रूप में बेटे इसके यूज की जाती है cooking gas। ठीक है, और CNG especially used in vehicles में यूज की जाती है। तो वी आर सींग दैट कि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन C4H10, द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी ब्यूटेन C4H10, व्हाइल द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG इज मीथेन CH4। तो ये ब्यूटेन और मीथेन देयर आर टू मेन गैसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। हम देखते हैं बेटे कि हमारे टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी का 10% एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय द नेचुरल गैस एंड इट इज
नॉर्मली ऑब्जर्व इट इज प्रोक्लेम दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैसेस आर प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया. पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया भी इनका आगे होता है बच्चों द मेन एरिया. मैं आपको बता दूं कि एलपीजी जो होता है वो बेटे अपने आप में इसमें लेस गैस होती है. एलपीजी और सीएनजी दोनों इसमें लेस गैस होती है, बट एलपीजी में मर्केप्टन नाम का एक ऐसा मटेरियल मिलाया जाता है व्हिच गिव अ वेरी शार्प स्मेल सो दैट द लीकेज ऑफ द एलपीजी कैन बी डिटेक्टेड. ठीक है, अदरवाइज इट इट इज स्मेल लेस गैस देन इट्स वेरी बिकम्स एंड इट विल क्रिएट समटाइम्स द प्रॉब्लम्स व्हेन इट विल लीकेज एंड बिकॉज ऑफ स्मेल लेस देर विल बी नो डिटेक्शन ऑफ द लीकेज ऑफ द गैस एंड इन दिस सिचुएशन इट कैन बी क्रिएट द एक हैजार्ड एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है एंड इट कैन कॉट फायर एंड दैट इज वेरी टेरिबल कंडीशन. तो इस कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए कि इसका लीकेज ऑफ द सिलेंडर या वी कैन से दैट एलपीजी या कुकिंग गैस कैन बी डिटेक्टेड दैट्स द रीजन अ मर्केप्टन व्हिच इज वेरी शार्प स्मेल मटेरियल इज मिक्स विद द एलपीजी गैस सो दैट इट्स लीकेज कैन बी डिटेक्टेड इजिली. तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्ट ऑफ केसेस में इट हैज बीन फाउंड दैट जो गैस होती है जो एलपीजी गैस होती है इट इज स्पेशली फाउंड इन दोज एरिया वेयर देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द पेट्रोलियम. इंडिया में देखा जाए द मेन एरिया ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व इन इंडिया द मेन नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया द मेन नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द इंडिया के जो मेन प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया है तो वो सबसे पहले जो हम लोगों का बच्चों आता है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन इन आंध्र प्रदेश. कौन सा? कृष्णा गोदावरी बेसिन इन आंध्र प्रदेश. वैसे मैं बच्चों आपको बार बार बताता चल रहा हूं इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एज वेल एज द नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में इंडिया क्वाइट डिफिशियंसी फेस करता है एंड इट इज टोटली डिपेंडेड ऑन द फॉरेन इम्पोर्ट. ठीक है, 80% इंडिया की जो 80-90% इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इन द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस एज वेल एज पेट्रोलियम वो फॉरेन इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है. लेकिन व्हाट एवर द प्रोडक्शन इज इन इंडिया उसका जो मेजर पार्ट देखा जाए दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन और इन आंध्र प्रदेश. कृष्णा गोदावरी बेसिन इन आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है. दूसरा बच्चों अब मुंबई ऑफशोर फील्ड में होता है. दूसरा कहाँ होता है? मुंबई ऑफशोर फील्ड. दूसरा मेन जो इसका डिपोजिशन है वो मुंबई ऑफशोर फील्ड्स है जहां पर पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी भी है. इंडिया का टोटल प्रोडक्शन का 64% पेट्रोलियम अवेलेबिलिटी हमारे मुंबई ऑफशोर एरिया से ही प्रोड्यूस की जाती है. इसके बाद बेटा गल्फ ऑफ बॉम्बे फील्ड्स इन गुजरात. गल्फ ऑफ तीसरे नंबर पे जो है वो गल्फ ऑफ बॉम्बे इन गुजरात में है. तो गल्फ ऑफ बॉम्बे इन गुजरात में इसका प्रोडक्शन होता है. दीज आर द स्पेशली सम प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द नेचुरल गैस इन इंडिया. मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी. आई हैव टोल्ड यू दैट इन द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस इंडिया फेस द क्वाइट डिफिशियंसी विद द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम. यू नो दैट प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड इनका एक ही साथ इनका मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है. लेकिन जब पेट्रोलियम की डिफिशियंसी है तो इट विल श्योर दैट इंडिया विल फेस द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पेट्रोलियम गैसेस. ठीक है, इसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश निकोबार आइलैंड में इसका जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है. निकोबार आइलैंड आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड
अंडमान निकोबार आइलैंड, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। निकोबार आइलैंड में इसका थोड़ा बहुत डिपोजिशन है अंडमान निकोबार आइलैंड में। और इसके बाद बेटे कुछ पोर्शन इसका जैसलमेर के राजस्थान एरिया में है। जैसलमेर एरिया ऑफ राजस्थान में है। राजस्थान में भी इसका कुछ प्रोडक्शन होता है, ठीक है ये बच्चों। और इसके बाद कावेरी बेसिन में इसका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है। कावेरी बेसिन में भी इसका प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इंडिया वैसे तो इन द प्रोडक्शन ऑफ गैस में क्वाइट डिफिशियंसी फेस करता है, लेकिन कुछ पोर्शन में इंडिया में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है, जिसका एग्जांपल मैंने दिया आपको। पहला कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में है। दूसरा हम लोगों ने देखा बेटा गल्फ ऑफशोर एरिया ऑफ बॉम्बे ऑफशोर एरिया में क्या कहते हैं इसका प्रोडक्शन है थोड़ा बहुत। और इसके बाद तीसरा मैंने बताया गल्फ ऑफ बॉम्बे ऑफ गुजरात में इसका प्रोडक्शन है। अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ डिपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस है। आफ्टर दैट जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ राजस्थान में भी इसका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है। एंड लेटर ऑन कावेरी बेसिन। तो दीज आर द नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। और नेचुरल गैस का बेटे हम लोग जो सप्लाई कर सकते हैं वो थ्रू द गैस पाइपलाइन के थ्रू करते हैं। वी कैन सप्लाई टू द नेचुरल गैस थ्रू द गैस पाइपलाइन। और एक इम्पोर्टेंट गैस पाइपलाइन है बेटे 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजारिया बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप ऑल्सो एंड समटाइम इट इज आस्क्ड। तो हजारिया विजयपुर, ये पिछले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हजारिया विजयपुर जैसलमेर पाइपलाइन SBJ 1700 किलोमीटर लंबी है, जो महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट से नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया को जोड़ती है। बेसिक मेरे कहने का मतलब द लार्जेस्ट पाइपलाइन ऑफ इंडिया इज HVJ हजारिया विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। बी वेरी केयरफुल, वेरी मच केयरफुल दैट इट इज आइडियली एक्सपोर्टेड, इट इज आइडियली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज आइडियली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमारी जो नेचुरल गैस पाइपलाइन, जो नेचुरल गैस होती है, जो पेट्रोलियम गैसेस होती है, गैसेस कैन बी इजिली सप्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाई द पाइपलाइन थ्रू। तो इंडिया में देखा जाए तो पाइपलाइन की जो सबसे लार्जेस्ट पाइपलाइन है दैट इज हजारिया विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसे शॉर्ट में HVJ पाइपलाइन भी कहा जाता है। HVJ हजारिया विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जो कि लगभग 1700 किलोमीटर लंबी है। एंड बाय दिस ऑफशोर लिंक्स ऑफशोर फील्ड्स ऑफ महाराष्ट्र को बेटे हम वेस्टर्न महाराष्ट्र को बेटे हम ईस्ट एंड नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट से जोड़ते हैं एंड सप्लाई करते हैं द नेचुरल गैस को, विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड पाइपलाइन गैस इवन टू द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से बच्चों देखा जाए। और इसके बाद आई हैव टोल्ड यू दैट जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इट इज स्पेशली यूज इन एज ए कुकिंग गैस एंड इट्स मेन कंपोनेंट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्यूटेन इज द मेन कंपोनेंट व्हिच इज व्हिच केमिकल फार्मूला इज C4H10। ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला होता है C4H10। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके बाद बच्चे ये क्या कहते हैं आपका LPG का मेन कंपोनेंट है ब्यूटेन। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ब्यूटेन इज ए स्मेललेस गैस, इट कैन नॉट डायरेक्टली डिटेक्टेड बाय स्मेल्स दैट इट इज लीकेज और नॉट। दैट्स व्हाई द रीजन टू डिटेक्ट इट्स लीकेज, बिकॉज इट्स लीकेज कैन बी क्रिएट ए हार्मफुल कंडीशन। दैट्स व्हाई द रीजन इट्स लीकेज इज इट्स लीकेज कैन बी डिटेक्टेड। दैट्स व्हाई अ वेरी शार्प स्मेल मटेरियल मार्कअप इज एडेड इन द LPG एज वेल एज इन CNG। And CNG is compressed natural gas and which main component beta methane होता है। इसका main component methane होता है। इसका formula C4
CH4 होता है, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द टू गैसेस व्हिच इज स्पेशली यूज एज ए नेचुरल गैसेस, दीज आर द पार्ट ऑफ नेचुरल गैसेस, दीज आर नेचुरल गैसेस कॉमनली नोन एज ए नेचुरल गैसेस व्हिच इज पार्ट ऑफ पेट्रोलियम गैसेस एंड यूज एज ए फ्यूल एंड आइडियल फ्यूल, बिकॉज इनको एलपीजी एंड सीएनजी को एक आइडियल फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। उसका रीजन है बच्चों कि मतलब ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, दे डिड नॉट हार्म टू द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट का बेटा ये हार्म नहीं करते, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज दे बर्न स्मोकलेस विदाउट एनी स्मोक्स, दैट्स द रीजन देयर इज नो इफेक्ट इन द एटमोसफियर, देयर इज नो डैमेज इन द एटमोसफियर एंड देयर इज नो एयर पोल्यूशन एंड आफ्टर यूज दे डू नॉट लीव एनी टाइप्स ऑफ द एस, दैट्स द रीजन एंड दे आर इजिली हैंडेबल एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो दैट्स द रीजन एंड इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इज ऑल्सो वेरी हाई। These are the main quality of the ideal fuel. That's why LPG and CNG are considered as the ideal fuel. So, beta, be very much careful that why LPG and CNG is considered as a ideal fuel because they are widely used and they do not create any types of the air pollution because they burn without any smoke. By smokeless, they burn smokeless by the smokeless. एंड एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज मतलब जो हम लोगों की सी एन जी होती है इट इज यूजली यूज एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई एंड इज कैन बी यूजली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल, स्पेशली इट इज इको फ्रेंडली, दैट इज द मेन रीजन दैट इट इज आइडियल फ्यूल। तो इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को पेट्रोलियम गैसेस पढ़ाया एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दैट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यू नो दैट इट इज आल्सो फॉर्म बाय द हाँ बच्चों हम लोग बातें कर रहे थे कि स्पेशली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया का एक तरीके से इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, इम्पोर्टेंट वे ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इट इज द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द रनिंग वाटर, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई द रनिंग वाटर बाई द हाइड्रो पावर प्लांट या जिसे हम लोग डैम्स कहते हैं। डैम्स के बारे में आई हैव टोल्ड यू दैट डैम्स आर यूज फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम्स आर यूज बच्चों डैम्स आर यूज एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दैट्स फॉर दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मिस्टर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट डैम्स आर द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। डैम्स को बेटे जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में कंसिडर किया था। तो व्हाट आर डैम्स, तो पहले हम डैम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फिर पढ़ेंगे। तो क्योंकि बेटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है, द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन द डैम्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है बच्चों, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू दैट रनिंग वाटर स्पेशली रिवर्स के वाटर को बेटा एक ब्लॉक बना करके एक डैम्स बना करके उसके लेवल को बढ़ा दिया जाता है और बहुत हाइट से बच्चों हम लोग क्या कहते हैं वाटर को अलाउ करते हैं टू फॉल ऑन द टर्बाइन्स, यहाँ टर्बाइन्स होती है और टर्बाइन्स में फॉल आउट करने के लिए अलाउ करते हैं और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वाटर बहुत स्पीड से जाकर के टर्बाइन को हिट करता है एंड रिजल्ट इज टर्बाइन स्टार्टेड टू मूव रिवॉल्व। एंड आप लोगों ने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा था कि हाउ जनरेटर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो जो आपकी टर्बाइन होती है वो बहुत बड़े स्केल का जनरेटर होती है। व्हेन इट इज ऑल्टो इज ऑल्सो स्टार्ट रिवॉल्व देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द मिस्टर माइकल फैराडे द मैकेनिकल एनर्जी स्टार्टेड टू कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर माइकल फैराडे दैट वाई कैन नॉट द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय मिस्टर माइकल फैराडे
वेरी फास्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टार्टेड टू हिट इन वेरी लार्ज टर्बाइन देन बिकॉज ऑफ गेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी इट स्टार्टेड टू स्टार्ट टू रिवॉल्व एंड when the generator start to revolve या turbine start to revolve there is the formation of the electrical energy except the generation of the electrical energy there are many other works of the dams like supply of the water for the in the different canals for the irrigation purpose which is the backbone of the Indian economy and which is considered as agriculture. तो एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई करना एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द फ्लड्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सप्लाइंग द वाटर टू द ड्रॉट एरिया बाय द डैम्स एंड डैम्स इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फिश.